वेलकम टू माई चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मखनी ग्रेवी की रेसिपी। मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस मखनी ग्रेवी से आप बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, जैसे कि पनीर मखनी, चिकन मखनी, मखनी रैप और भी बहुत कुछ आप इससे बना सकते हैं। इस मखनी ग्रेवी को आप 3 से 4 दिन तक आराम से अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मखनी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन। आप इसकी जगह किसी कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पैन में मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गई है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये बटर। बटर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने लगी है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर। इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा। मैदा ऐड करने से हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी, ये ग्रेवी को एक बहुत अच्छा टेक्स्चर देगा। अब हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है। इस मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये मसाले यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फूलने लगे हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर, चीनी ऐड करूँगी 1/2 छोटी चम्मच, साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये कसूरी मेथी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो ही रखना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। इस टोमेटो प्यूरी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश करके धोने के बाद मैंने उसे बिल्कुल रफली चॉप करके मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने इस टोमेटो प्यूरी को अच्छे से सीव कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि हमें इसे सीव करना, हमें इसे छानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी प्यूरी बिल्कुल स्मूथ बनेगी। पाँच मिनट के बाद इस ग्रेवी में से ऑयल बिल्कुल अच्छे से अलग होने लगी है, ग्रेवी हल्की सी थिक भी हो गई है। तो अब इस ग्रेवी में मैं ऐड करूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये फ्रेश मलाई। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मलाई का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस मखनी ग्रेवी को लगातार चलाते हुए 5 और मिनट के लिए पका लिया है और यहाँ पर हमारी मखनी ग्रेवी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अभी ये ग्रेवी बहुत थिक लग रही है तो आप चाहे तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे, पर मैं अभी इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं इस ग्रेवी को ठंडा करके फ्रिज में रखने वाली हूँ। मैं जब इस मखनी ग्रेवी को यूज़ करूँगी तभी उसमें पानी डालूँगी। तो अब मैं गैस को यहाँ पर ऑफ कर देती हूँ। तो आप भी इस मखनी ग्रेवी की रेसिपी को एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और इससे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली एंड अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।